राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को राज्य में कोरोना की स्थिति और इससे राज्य को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों से कोविड-19 पर दूसरी बार चर्चा की। राज्यपाल मिश्र ने चर्चा में कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी को मात देने में सभी लोग एकजुट हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी हर दिन इस बारे में चर्चा हो रही है। प्रतिदिन वो लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, आध्यात्मिक गुरुओं से वार्ता कर सहयोग की अपील की है। राज्यपाल ने बताया कि राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर कम्युनिटी किचन के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है। मिश्र ने बताया कि गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और जरूरी सामान की व्यवस्था करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के फंड से 40 लाख रुपए दिए गए हैं। साथ ही राज्य के खेतों में खड़ी फसलों की कटाई के लिए किसानों को सरकारी ने अनुमति दी है। राज्यपाल ने बताया कि राजस्थान के आजीविका मिशन से जुड़े करीब 1 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, इसमें 20 लाख महिलाएं शामिल हैं।